नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो टाइटल जान चुके हैं, आज मैं आया हूँ बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र की शास्त्री जी। तो दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का पूरा दृश्य, कैसे कहाँ दरबार लगता है, कहाँ मंदिर होती है, कहाँ परिक्रमा होती है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये रास्ता हाईवे से निकलता है और ये मंदिर की तरफ सीधा रास्ता जाता है। और आप भीड़ देख सकते हैं, आज इतनी दोपहर हो रही है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं 1 बजने वाले हैं, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं दोस्तों। आज शनिवार है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे, देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है यहाँ पे। ये दोस्तों ये दिव्य दरबार हॉल है, यहाँ पे दरबार लगाते हैं धीरेन्द्र की शास्त्री जी महाराज। यहाँ पे दरबार लगाया जाता है, पर्चा बनता है जिसको कहते हैं पर्चा बनना, यहीं पे पर्चा बनाया जाता है दोस्तों। और ये उनकी ताकत कहिए या चमत्कार कहिए या शक्ति कहिए, वो जो भी पर्चा निकालते हैं जिस इंसान के नाम का, वो सत्य ही होता है, कभी आज तक झूठ साबित नहीं हुआ है दोस्तों। ये पूरा हॉल ये बड़ा से यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ पर पर्चा ही बनता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा हॉल है और भीड़, लेकिन इतना बड़ा हॉल के बाद भी दोस्तों लोगों की इसमें लोग आ नहीं सकते, समझ लीजिए। जब भीड़ होती है तो बहुत भीड़ रहती है, ये देख सकते हो आप अंदर। यहाँ पे लोग चूज विश्राम भी कर रहे हैं। यही रास्ता दोस्तों सीधा जाता है अपना मंदिर की तरफ। अभी आपको मंदिर भी दिखाएंगे, परिक्रमा स्थल भी दिखाएंगे, मंदिर भी सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। अभी ये प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ आप जूते चप्पल अपने रख सकते हैं, प्रसाद लेके जा सकते हो आगे मंदिर के लिए। यहाँ कुछ श्रृंगार की दुकानें हैं, लॉकेट वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं आप मंदिर स्थल है, वो झंडा बड़ा सा लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र का। बाकी दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लाइन पे बने रहिएगा। और यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, ये देख ले सकते हो आप लोग। यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं मंदिर चारों तरफ, ये पूरी चारों तरफ परिक्रमा लगती है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने लोग, दोपहर हो रही है फिर भी कितने लोग यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, पैर जल रहे होंगे लेकिन फिर भी परिक्रमा लग रही है। ये पूरा मंदिर चारों तरफ जैसी इसकी श्रद्धा, 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, ये आप देख सकते हो। यहाँ भी दुकानें हैं, सब जगह दुकानें रहती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। कुछ भी खरीदारी करनी हो, खाने पीने का, समोसा चाय और चद्दर स्टॉल, ये सब भी यहाँ पे है। ये आप देख सकते हो परिक्रमा के लिए भीड़, कितने लोग आ रहे हैं, परिक्रमा चालू है दोस्तों। चमत्कार इस मंदिर का बहुत बहुत, इस धाम का बहुत बड़ा चमत्कार रहता है लोगों के ऊपर, इसलिए लोगों को विश्वास है इस धाम के ऊपर। इसलिए कोई दिन और टाइम कुछ नहीं देखते हैं, सब दर्शन के लिए परिक्रमा के लिए भागते रहते हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं भीड़ दिखाऊंगा दर्शन के लिए कितनी भीड़ है। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी हुई दर्शन के लिए। ये मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर दिख रही है, मंदिर मार्ग की भीड़ है, देखो बहुत भीड़ है आज। आज शनिवार है और बहुत भीड़ है, दोपहर में ही हाल है, बहुत भीड़ है आज, आप देख सकते हैं। ये मंदिर निर्माण कार्य चालू है। यहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञशाला है ये। यहाँ मंदिर निर्माण कार्य चालू है दोस्तों। ये मुख्य मंदिर है दोस्तों, अभी यहाँ काम चालू, इसको तोड़ा नहीं गया है, ये सब टूट गई है मंदिर के निर्माण कार्य के लिए।
ये मुख्य मंदिर है दोस्तों, यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं फिर भी जैसे तैसे आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मुख्य मंदिर ये दर्शन के बाद रास्ता जाने का, आप भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा शक्तिशाली ये भावन धाम है। मैं भी अनुग्रह करूँगा एक बार ज़रूर आप अवश्य बागेश्वर धाम खजुराहो डिस्ट्रिक्ट आइए ज़रूर दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, ये आप देख सकते हैं, झंडा आपको दिखेगा। ये कार्यालय क्रमांक एक है, यहाँ पे अगर आपका कोई भी अपना खोता है या ऐसा कुछ होता है तो यहाँ आप दर्ज करा सकते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। कोई भी आपका अपना यहाँ पे मिसिंग होता है, खोता है, तो आप यहाँ से अपना अनाउंस करवा सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हो आप, ये मेन पहाड़ी यहाँ पे बागेश्वर धाम की मेन पहाड़ी यही है, और इस पहाड़ी के बगल जो टावर दिख रहा है इसके पास में गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र की शास्त्री जी का घर है यहीं पे। और ये रोड सीधा हाईवे से निकल के आती है दोस्तों, यही रोड आती है हाईवे से, पकड़ के आप इसी सीधे आगे जाएंगे तो वो जो झंडा दिख रहा है आपको वो मंदिर प्रांगण है दोस्तों, यहीं से आप जाएंगे तो ये मंदिर प्रांगण। और ये जो ऑरेंज कलर का टी शर्ट दिख रहा है आपको, ये दोस्तों यहाँ पर दिव्य दरबार लगता है, जहाँ पर महाराज एक एक लोगों से पर्चा बनाते हैं और एक एक लोगों के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये दिव्य दरबार हॉल है और यही रास्ता आपको मंदिर की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे भोजनालय हैं, होटल दिख रहा है, सब लाइन से होटल हैं, रुकने की व्यवस्था है सबकी, जो जो रुकने की व्यवस्था है, बसेस वगैरह हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ऑटो स्टैंड को देखिए आप, ये देखिए ऑटो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे आप ऑटो वगैरह लेके जा सकते हैं वापस खजुराहो या जहाँ हाईवे जहाँ से भी, सब पूरी बस की सुविधा, टैक्सी की सुविधा, ये सब बैटरी रिक्शा जितने भी हैं सब आपको जाने ले जाने वाले हैं। मेन यहाँ पे समझ लीजिए आप दोस्तों, ये पहाड़ी के पास ही सारा महाराज जी का घर है और यहीं से सारी शक्तियाँ उत्पन्न हुई दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। मैं बागेश्वर धाम सरकार धाम आता रहता हूँ, त्रिवेंद्र की शास्त्री जी महाराज जी के धाम आता रहता हूँ मैं दोस्तों, और यहाँ आने से काफ़ी लाभ हुआ है मुझे दोस्तों। और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप लोग भी यहाँ अपना अवश्य समय दीजिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, धीरे न धीरे आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा दोस्तों। सारे जो भी दुख होती है, कष्ट होती है, परेशानी होती है, भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं, बागेश्वर धाम में सबका समाधान होता है दोस्तों। तो मैं आपसे विनती करूँगा अपने जीवन से थोड़ा कीमती समय निकाल दोस्तों, आप आइए और आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। जो भी आपके परिवार में कोई अगर बीमार है उसको लेके आइए, या किसी तबीयत सही नहीं है, पैर दर्द, कुछ भी प्रकार की पैसे की व्यावसायिक समस्या, बिजनेस की समस्या, क्या भी कैसी भी समस्या, आप आइए अर्जी लगाइए, भगवान अर्जी स्वीकार करेंगे, आप धाम में पेशी करते रहिए, धाम आते रहिए, धाम में पूजा करते रहिए, भगवान जी बालाजी सरकार मंदिर जो मैंने अभी आपको दिखाया उनके दर्शन करते रहिए।